मध्य प्रदेश में रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। दरअसल एमपी में बेरोजगारी दर में तेजी से गिरावट आ रही है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी भर्तियां निकाली जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। एमपी में बेरोजगारी दर कम, कम बेरोजगारी दर वाले टॉप 5 राज्यों में मध्य प्रदेश। एमपी में रोजगार की बयार। जी हां, कोरोना काल के बावजूद मध्य प्रदेश में रोजगार के मोर्चे पर स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अच्छी है। मध्य प्रदेश में अगर पिछले 8 महीनों के बेरोजगारी दर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर 2021 में बेरोजगारी दर 3.1% थी, अक्टूबर 2021 में 1.8%, नवंबर 2021 में 1.6%, दिसंबर 2021 में 3.4%, जनवरी 2022 में 3.2%, फरवरी 2022 में 2.7%, मार्च 2022 में 1.4% और अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.6% पर रही। दरअसल अप्रैल महीने के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.6% है। अगर अप्रैल महीने को ही आधार मानकर पिछले 7 साल के आंकड़ों को देखें तो अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.6% पर रही, जबकि अप्रैल 2021 में 1.4%, अप्रैल 2020 में 12.4%, अप्रैल 2019 में 6.5%, अप्रैल 2018 में 3.2%, अप्रैल 2017 में 2.3% और अप्रैल 2016 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 8.7% थी। तो आंकड़े बता रहे हैं कि साल दर साल मध्य प्रदेश में रोजगार के मोर्चे पर स्थिति अच्छी होती गई। सीएम शिवराज भी रोजगार पर लगातार फोकस कर रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इस साल 1 लाख सरकारी भर्ती निकाली जाएगी। पुलिस की 6,000 भर्तियों के लिए एडमिट कार्ड तो जारी भी हो गए हैं। शिक्षकों के 13,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। महिलाओं को शिक्षक भर्ती में 50% और पुलिस भर्ती में 30% आरक्षण दिया जा रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन एमपी ने 1,222 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। एमपी में पटवारी के लिए भी 5,204 पदों पर नई भर्तियां होंगी। महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। 100 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना होगी। भोपाल और इंदौर में अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में बंपर भर्तियां निकाली जा रही है और इसका असर घटते बेरोजगारी दर के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में रोजगार और बढ़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना काल में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। एमएसएमई के विस्तार से रोजगार के साधन बढ़े हैं। कृषि सेक्टर में कोरोना काल में भी रोजगार मिला है। इस समय मध्य प्रदेश की इकोनॉमी $150 बिलियन है, यानी 1,14,90,85,50,000 रुपए। एमपी से 2 बड़े ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर गुजरेंगे। ये कॉरिडोर जहां से गुजरेंगे वहां बड़े क्लस्टर्स बनेंगे। क्लस्टर्स के बनने से पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी बदल जाएगी। एमपी में जितनी जगह और प्राकृतिक संसाधन है वो दूसरे राज्यों में कहीं नहीं है। तो आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। हालांकि बेशक मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर अब 1.5% के आसपास है, लेकिन अब भी इसे और नीचे लाए जाने की जरूरत है, तभी हर हाथ रोजगार का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।